हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरे मायके का ही है। आज ही मुझे निकलना है और आ रहे थे आज मेहमान, यानी कि छोटी सिस्टर है उसको देखने, तो उसी की तैयारी हो रही है और मुझे निकलना भी है। तो जल्दी जल्दी सब कर रहे थे, आ चुके हैं वो लोग, तो उनके लिए चाय पानी का की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इधर मीठा और पानी लगा रहे हैं। कई लोग थे, 7 लोग आए थे, और इधर से ये मुझे लेने भी पहुँचे हैं। तो ये हो गया, ड्राइवर हो गया। कई लोग थे घर में, 10-12 लोग हो रहे थे, उनके लिए सबके लिए खाना और चाय नाश्ता ये सब, इसी में पूरा टाइम निकल गया था। हम लोग को निकलने में काफ़ी टाइम हो गया था, हम 5 बजे घर से निकले थे, तो काफ़ी लेट पहुँचे थे झांसी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लगा दिए हम, मीठा पानी कंप्लीट कर दिया, और ये मैं इधर चाय भी बना रही हूँ। गैस रख ली है किचन से बाहर उठा के, क्योंकि इतनी भयानक वाली गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी थी कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। रक्षाबंधन जिस दिन से हम लोग, रक्षाबंधन के एक दिन पहले मैं गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी उमस वाली गर्मी थी, बहुत मुश्किल से ये सब काम निपट पाया था। और घर में भाभी भी चली गई थी, भाभी होती तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो संभाल लेती है, कर लेती है खाने पीने का पूरा। तो वो भी अपने मायके गई हुई हैं, तो मम्मी अकेली थी, मैं बस, तो फिर करवाना पड़ेगा। चाची भी आ गई थी बाद में, हमारे यहाँ सब मिलजुल कर ही काम कर लेते हैं। तो गर्मी की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वरना तो कुछ नहीं है। और ये भाई है छोटा वाला, तो ये लगा, इसकी ड्यूटी लगा दी थी नाश्ता लगाने में, तो ये नाश्ता लगाएगा और बहुत अच्छे से लगा रहा है। बार बार चेक करता जा रहा है कहीं कुछ कमी तो नहीं है, पूछ रहा था बार बार। मीठा वगैरह लगाया इसी ने, पानी और सब दे के भी आया, और अब लगा रहा है ये चाय वगैरह, कंप्लीट करेगा रखेगा। मैं इधर बना रही हूँ, यहीं पर बगल में ही गैस आंगन में निकाल ली थी, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी और ज़्यादा खाना बनना था, तो किचन में वैसे ही बंद में और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, बस ये चाय नाश्ता भी उनको भेजेंगे, और इधर खाना भी बनता जा रहा है साथ के साथ। खाना भी मैं मटर पनीर बनाई हूँ, और पुलाव, रायता और पूड़ी, ये सब बना था खाने में। और ज़्यादा लोगों का खाना बनना है तो थोड़ा टाइम तो हो ही लग ही जाता है, फिर उनके पास बैठे हम लोग तो 2-2.5 घंटे बैठे ही रहे, बातचीत होती रही, तो इस तरह में काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोगों ने खाया, हमें निकलना था, तो जैसे ही वो गए 4 बजे, फटाफट से हमने खाया खाना और निकल पड़े तुरंत। 4, 4:30 बजे के लमसम हम लोगों ने खाया और बस फिर निकल लिए तुरंत, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र है, दूर पड़ता है अतर्रा से झांसी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये लगा रहा है, और इसकी सलाद वगैरह, सैलेड वगैरह काटने में इसी की ड्यूटी लगाई थी। थालियाँ भी इसने लगवाई थी, बहुत हेल्प की इसने, सबसे छोटा है ना, तो इसको काम बता दो कुछ भी तो करता रहता है, आनाकानी नहीं करता है। तो ये चाय बन गई है, और आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया कौन कौन मायके गया था, कितने कितने दिन के लिए कौन कौन गया था, बताइए, बाद में ही बता दीजिए कौन कौन वापस आ गया या अभी वहीं रुके हुए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, ये प्याज वगैरह भून रही हूँ, मटर पनीर बनना है, और इधर पुलाव बन चुका है, पनीर भी मैंने काट के रख लिया है। ये देखिए, यहीं आंगन में रखे हुए हैं, और दोनों साइड से कूलर लगे हुए हैं, कूलर पंखा, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, इतनी भयंकर गर्मी हो हुई है 2-4 दिन उधर रक्षाबंधन के आगे पीछे, बहुत ज़्यादा। अब तो खैर बारिश हो गई है तो काफ़ी राहत है। तो बनाते हैं, उधर मम्मी आटा लगा रही हैं, और चाची आ गई थी तो फिर उनके पास बैठी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लेडीज़ें आई हुई थी, दो आई थी लेडीज़ें, तो चाची बैठी थी उनके पास। ये देखिए, मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना पाती हूँ खाना, लेकिन
कोशिश की है कि अच्छा ही बने। और ये है रायता, बूंदी का रायता है, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है। मैं थोड़ा तो अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा बनाना पड़ा तो मुझे अंदाज़ कम आता है, तो पूछ पूछ कर मैंने बना दिया था। अच्छा बना था, फ़िलहाल खा कर बताया था लोगों ने कि ठीक है, अच्छा बना था खाना। और हमारे साथ जो ड्राइवर थे, उनने, ड्राइवर भैया ने, उनने भी बताया, बोला कि खाना बहुत अच्छा बना था। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलो किसी ने तो तारीफ़ की खाने की। वरना मुझे तो डर था कि कहीं गड़बड़ ना कुछ हो गया हो, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाने की मुझे आदत नहीं है इसलिए। और ये देखिए, ये दोनों भाई हैं, तो इनकी ड्यूटी लग गई है सैलेड काटने में। मेडिकल बंद करके आया है मेरा भाई, ये जो वाइट शर्ट में है, मुझसे छोटा है ये। तो ये दोनों काट देंगे और बस फिर थाली लगवाएगा, ये सबसे छोटा वाला थाली लगवाएगा। उधर चाची पूड़ी बेल रही हैं, मम्मी निकालने लगी हैं, और मैं इधर थालियां लगवा रही हूँ। बस ये था कि फटाफट से खाएं, और हमारे लिए भी टाइम निकल आए, हम भी समय से निकल लें। लेकिन समय से नहीं निकल पाए थे, काफ़ी लेट हो गए थे उन लोग को जाने में काफ़ी टाइम। खाना पीना हमने टाइम से करवा दिया था, 2-3 बजे तक ये लोग फ्री हो गए थे, लेकिन बैठे थे फिर उसके बाद 1-2 घंटा बातें चीतें होती रहीं, तो टाइम का पता ही नहीं चला, बैठे रहे। तो अब फाइनली विदाई की मेरी कोई वीडियो शूट नहीं हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग तैयारी हुई, कोई मेरी पैकिंग भी नहीं थी, मुझे पैकिंग भी करनी थी उसी टाइम पे। और ये भाई लोगों का मेडिकल, तो ये दूसरा जो मकान है, ये बिल्कुल मेन रोड में ही है, बिसंडा रोड में। तो इधर से भैया लोगों से बस ये लोग आ गए थे मेडिकल, तो बस इनसे थोड़ी मैं मिलूँगी उतर के गाड़ी से, और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेनी थी तो ली है। और इसके बाद फिर सीधे हम लोग कहीं नहीं रुकते हैं, बीच में एक जगह चाय वगैरह पीते हैं, बस सीधे झांसी रुकेंगे। तो बस फिर हो गई हमारी विदाई। विदाई की कोई वीडियो नहीं हो पाई है शूट, तो अतर्रा से हम निकल पड़े हैं। बीच बीच थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, और ज़्यादा क्लिप नहीं ली है, क्योंकि जब भी मायके से आओ तो मूड अच्छा नहीं रहता है, समझ सकते होंगे आप लोग। तो वही हाल मेरे साथ भी था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल लिए, लगभग हम लोग पहुंचने ही वाले हैं झांसी। इसके पहले ओरछा में थोड़ी शूट किया था, ये ओरछा का ही है शायद। अब ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी। तो फ्रेंड्स आज का, तो अब फाइनली हम पहुंच गए घर, और घर जाकर कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, जाकर सीधे सो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ घर से 1 या 2 दिन या 4 दिन, कितने भी दिन के लिए निकलो घर गंदा हो ही जाता है, तो वही हाल हुआ था। अब ये मैं सबसे पहले लगा दूँगी कपड़े, फिर उसके बाद लगूँगी साफ़ सफाई में कपड़े लगा दूँगी। इधर मशीन चलती रहेगी, अपना उधर काम भी होता रहेगा। तो ये मैंने कपड़े लगा दिए, अब लगूँगी अपने काम में। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे फ्री होते होते, कम से कम ये 3 बज गए थे, पूरा दिन मुझे लग गया था सफाई में। और फिर खाना पीना खाया, रेस्ट किया, फुल रेस्ट किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, और ये है बारिश, कई दिनों बाद बारिश आई है आज। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, वीडियो को अब रोकूंगी यहीं पर। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।